बाद इसी फिल्म का पूछूंगा कि सूरज पांचोली मीडिया के सामने नहीं आ रहे हैं आगे, क्यों नहीं आ रहे आगे? अभी अभी वो आपने ट्रेलर लॉन्च में आए थे, अभी वो बर्थडे पार्टी अटेंड करने आएंगे, थे, उन्होंने साफ मुझसे मना किया कि मैं मीडिया नहीं के आएंगे, डोंट वरी, ही विल कम। क्या है आप कुछ कोई रीजन नहीं आएंगे भी, ये एक स्ट्रेटेजी होता है, अभी स्ट्रेटेजी की वजह से वो लोग आ जाएंगे। अगस्त में रिलीज हो रही है, जब म्यूजिक रिलीज होगा तब आएंगे, आ जाएंगे, डोंट वरी। चलिए अच्छा, इस फिल्म के बारे में बताइए, क्या क्यों आप देखने आए, क्या एक्सपेक्टेशन? मुझे मतलब मुझे आई हैव बीन इनवाइटेड टू कम फॉर दिस फिल्म। मैं मुझे लगता है कि आजकल मराठी सिनेमा एट इट्स पीक सबसे वाइब्रेंट है। आप गॉड देखिए, उसके पहले जो भी दो तीन दूसरी मराठी फिल्म आई हैं, बहुत ही दिलचस्प मराठी फिल्म आई हैं। तो आई हैड द गुड फॉर्चून ऑफ मीटिंग उषा जी, जो ये फिल्म के डायरेक्टर की बहन है, उनको मैं नेशनल अवार्ड, जब मुझे नेशनल अवार्ड मिला था तो उनको धक के लिए नेशनल अवार्ड मिला था उसी टाइम पे, तो उन्होंने मुझे इस टाइम पे ये फिल्म के लिए इनवाइट किया था। तो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू द फिल्म। आपको लगता है कि मराठी सिनेमा में भी तरह तरह के वेरिएशन हो रहे हैं? हमेशा मराठी सिनेमा में वेरिएशन हमेशा थी। रीजनल सिनेमा एक्चुअली हिंदी सिनेमा से काफ़ी आगे है, हर तरह के रीजनल सिनेमा इन टर्म्स ऑफ एक्सप्लोरिंग अलग अलग सब्जेक्ट मतलब एक्सप्लोर करते हैं, टेक्निक एक्सप्लोर करते हैं, नैरेटिव टेक्नोलॉजी एक्सप्लोर करते हैं। तो रीजनल सिनेमा हमारे से हमारी मेन स्ट्रीम सिनेमा से काफ़ी आगे है। तो इट वी अनफेयर, तो ये सही है, बिल्कुल सही है। मैं तो वही कह रहा था कि हमारी मेन स्ट्रीम सिनेमा जो थोड़ी बहुत फॉर्मूला सिनेमा बन चुकी है, मेरा भी उसमें काफ़ी दोष है। तो मैं जो अक्षय, सलमान, रितेश देशमुख वगैरह जो कर रहे हैं, आई कम्प्लीटली सपोर्ट दे जिस तरह से वो लोग रीजनल सिनेमा को सपोर्ट करें। लेकिन फिर से कोई डायरेक्टर का बॉलीवुड का स्टैम्प लगता है तो उसका कंपोजिशन खुद बढ़ जाता है, अगर वो रीजनल डायरेक्टर ही बन के रहेगा तो सक्सेस लेवल पर नहीं पहुँचेगा। आपको क्या लगता है इस बारे में? वो काफ़ी सैड बात है, क्योंकि जिस तरह से निशिकांत कामत के अर्लियर फिल्म जो थे वो कमाल के फिल्म्स थे, एंड मैं निशिकांत कामत का फ़ैन तब से था। तो इफ़ स्टूडियोज़ कैन गिव एन इंकरेजमेंट टू रीजनल सिनेमा, जिस तरह से हम लोग बॉलीवुड फिल्म, मतलब मैं नहीं बोल रहा हूँ कि जिस तरह से बजरंगी भाईजान को रिलीज़ किया जाता है, वो तो मैं उसके बारे में नहीं बोल रहा हूँ, मैं सिर्फ बोल रहा हूँ कि जो छोटे भी फिल्म हैं उसी तरह से अगर रीजनल सिनेमा को भी एक्सप्लॉइट किया जाए, इनकरेज किया जाए, तो इवन द स्मॉलर डायरेक्टर्स और जो रीजनल सिनेमा के डायरेक्टर्स हैं, दे कैन रियली रियली बिकम हाउस होल्ड नेम्स। सर एक बहुत बड़ी बात है। जी सर, ये बहुत मतलब मराठी की अलग फिल्म है, इसकी स्टोरी जो है रीजनल है, और इसमें मेरा किरदार है 20 से 65 साल का, और सब लोगों ने अप्रिशिएट किया है, मतलब नवाजुद्दीन सिद्दीकी साहब ने फिल्म देखी है, बच्चन जी ने इसे ट्वीट किया है, बहुत बड़ी बात है, और अनिल कपूर जी ने म्यूजिक लॉन्च किया है फिल्म का, और सभी तरफ से शुभकामनाएं आ रही हैं। होता है तो बच्चे वो सपना पूरा करते हैं या नहीं करते, या खुद को ही सपने के पीछे भागते हैं, ये इशू को लेकर ये फिल्म बनाई गई है, और बहुत अच्छा टॉपिक है, बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, और हमारे जो डायरेक्टर पांडुरंग जाधव जी, उन्होंने बहुत अच्छा निर्देशन किया है, मिताली जो मेरे को आर्टिस्ट है, इसने भी बहुत अच्छा काम किया है, और हमने बहुत अच्छी फिल्म बनाई। आनंददायक है इसलिए क्योंकि आफ्टर नेशनल अवार्ड ये मेरी रिलीज़ होने वाली पहली मूवी है जो आफ्टर 3 ईयर्स के बाद है, तो ये कहीं तो भी मेरे लिए बहुत इमोशनली अटैच वाला प्रोजेक्ट है, और कैरेक्टर वाइज और मूवी वाइज प्रोजेक्ट वाइज अगर मुझे कहना है तो इट्स अ बायोपिक जो एक रियल स्टोरी के ऊपर है, जिसलिए कैरेक्टर भी हमें वही प्ले करने हैं जो अभी भी लाइव है, जो जिंदा है, ऐसे लोगों को हमें देख के प्ले करना था, तो एक अलग चैलेंज था। इसमें एक एज ग्राफ था जो 20 to 60 का मुझे प्ले करना था, जो एक बहुत वर्क सेटिस्फेक्शन जो कहते हैं जो इससे मिला, सो बहुत एक्साइटेड है। हाँ, वही है कि 20 से 60 साल की उम्र का एक पूरा जो स्पैन होता है, लाइफ स्पैन, जो इसमें मुझे प्ले करना है। नहीं, आर्टिस्ट के लिए प्ले करना कोई टफ नहीं। हाँ, आप ऐसे कह रहे हैं, नहीं नहीं अच्छा, इससे जुड़ा एक सवाल है कि क्या कुछ कॉम्प्लीमेंट मिले आप दोनों को अपने किरदार के लिए? कॉम्प्लीमेंट मिलने का दिन तो आज के बाद शुरू होगा, जो एक्चुअली मुझे लगता है कॉम्प्लीमेंट जो रियल कॉम्प्लीमेंट होती है वो होती है ऑडियंस की, तो बाकी के लोगों की तो ब्लेसिंग होती ही है, सपोर्ट होता है, लेकिन जो रियल कॉम्प्लीमेंट जो मिलेगी वो हमें मिलेगी जो ऑडियंस है, जो कितना पसंद करती है, नहीं करती है।